Hello students, how are you all? Hope you are all fine, studying well. Welcome to today's session. It's another quiz on the same topic, the earlier topic, theory of island biogeography. It's an important topic. So, read the topic carefully, and at least one question is expected from this portion. So, coming to the question, read the following statements about equilibrium theory of island biogeography carefully. Now, the question seems longer, so have patience and read it very carefully. It's mentioned also, read it carefully. First statement says, the immigration line for the near island crosses the extinction line farthest to the right, and that for the far island farthest to the left. यानी पहली स्टेटमेंट बात कर रहा है इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन के बारे में, ये तो क्लियर हो गया आपको. उसके बाद वो कह रहा है क्रॉसेस, तो दोनों लाइन भी क्रॉस करती हैं. अगर आप इसको ग्राफ का ध्यान हो, ये देखिए ग्राफ है, ये इमिग्रेशन है नियर या क्लोज टू मेनलैंड, और ये फार कोलोनाइजेशन या इमिग्रेशन का रेट, और ये एक्सटिंक्शन का है स्मॉल आइलैंड और लार्ज आइलैंड. तो ये क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को. अब पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, द इमिग्रेशन लाइन फॉर द नियर आइलैंड, पास वाले आइलैंड की, क्रॉसेस द एक्सटिंक्शन लाइन फारदेस्ट टू द राइट. पास वाला आइलैंड ये रहा नियर, ये क्रॉस कर रही है सबसे फारदेस्ट. यहाँ देखिए आप, इमिग्रेशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन चार पॉइंट्स आपके बन रहे हैं. यहाँ क्रॉस हो रहा है, यहाँ क्रॉस हो रहा है, यहाँ क्रॉस हो रहा है, और यहाँ. कहता है जो नियर वाली है वो फारदेस्ट सबसे राइट में क्रॉस कर रही है, तो विच इज़ ट्रू इस ग्राफ को देखते हुए. कमिंग टू द सेकेंड स्टेटमेंट, द एक्सटेंशन लाइन फॉर द स्मॉल आइलैंड क्रॉसेज द इमिग्रेशन लाइन फारदेस्ट टू द लेफ्ट, and that for the large island farthest to the right. दोबारा समझिए, the extinction line for the small island crosses the immigration line to the left. Extinction line for the small island crosses the immigration line to the far left. सही है, small island की तो सबसे left में ही तो cross कर रही है immigration line को, ठीक है. और आगा नेक्स्ट पार्ट इसी स्टेटमेंट का क्या, एंड दैट फॉर लार्ज आइलैंड फारदेस्ट टू द राइट. और जो लार्ज आइलैंड है उसकी फारदेस्ट को क्रॉस कर रही है, यस. तो ग्राफ अगर आप, ये ग्राफ अगर आपको क्लियर है तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर है, या वाइस वर्सा, कंसेप्ट क्लियर है तो ये ग्राफ क्लियर होना चाहिए. कुछ नहीं है इसमें, एक तरफ डिस्टेंस बताता है, एक तरफ साइज बताता है. साइज एक्सटिंक्शन से ज़्यादा रिलेटेड है, इसलिए एक्सटिंक्शन को साइज के फंक्शन के तौर पे दिखाया गया है, और कोलोनाइजेशन डिस्टेंस आइसोलेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए इस तरफ इसको रिलेट किया गया. और ये लाइंस बना दी गई हैं, इमिग्रेशन धीरे धीरे कम होता चला जाता है, जैसे जैसे स्पीशीज नंबर बढ़ते चले जाते हैं एक्सटिंक्शन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे स्पीशीज नंबर बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, तो जब नए स्पीशीज आएंगे कुछ को जाना होगा. और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं जहाँ पर कंपोजिशन चेंज होता रहता है लेकिन नंबर ऑफ स्पीशीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. अगर ये सपोज 100 है तो ये 100 स्पीशीज रहेंगे वहाँ पर. वो कौन से 100 हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं, वो डिपेंड करता है वहाँ के क्या हालात हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, कौन वीक है, कौन स्ट्रांग है. इसी तरह अगर यहाँ 150 हैं तो यहाँ पे 150 रहेंगे, ये 200 है और ये 250. तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्पीशीज कितने होंगे आइलैंड पर, वो दोनों का फंक्शन है, दोनों चीज़ें उसमें रोल प्ले करती हैं. दोनों चीज़ें क्या हैं, साइज ऑफ द आइलैंड एंड डिस्टेंस ऑफ द आइलैंड फ्रॉम मेनलैंड. तो हमने देखा, सेकंड हमारी स्टेटमेंट कहती है
दिस एक्सटिंक्शन लाइन फॉर द स्मॉल आइलैंड क्रॉसेस द इमिग्रेशन लाइन फार्देस्ट टू द लेफ्ट. तो स्मॉल आइलैंड की फार्देस्ट टू द लेफ्ट, स्मॉल आइलैंड की फार्देस्ट टू द लेफ्ट, सबसे लेफ्ट. इसके बाद तो और कोई भी नहीं क्रॉस कर रही इमिग्रेशन लाइन को, ठीक है. एंड दैट फॉर लार्ज आइलैंड फार्देस्ट टू द राइट. और जो लार्ज आइलैंड की एक्सटिंक्शन है वो फार्देस्ट टू द राइट. आप देखिए इसके बाद तो और कहीं कोई क्रॉस नहीं कर रही इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन की लाइन. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही है. फिर द हाईएस्ट टर्नओवर रेट अकर्स ऑन स्मॉल आइलैंड नियर द मेन आइलैंड. जो टर्नओवर रेट है, किस रेट से स्पीशीज बदल रहे हैं, कंपोजिशन बदल रहा है, वो टर्नओवर रेट कहलाता है. तो वो कहां पर हाईएस्ट है? स्मॉल आइलैंड नियर द मेन आइलैंड. स्मॉल आइलैंड नियर द मेन आइलैंड, यहां पर यानी एस और एन होगा, स्मॉल और नियर. वाइल लोएस्ट ऑन लार्ज आइलैंड फार, यानी लार्ज और इसको अगर हम डिनोट करें तो लार्ज और फार. तो टर्नओवर रेट एस एन और एल एफ. अब देखते हैं, मैंने आपको बताया था टर्नओवर रेट निकालने के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करिए. ये ऑलमोस्ट आपस में सेम है, ऑलमोस्ट बराबर है. किस किस का? स्मॉल, फार और लार्ज नियर. अब आप देखिए, द हाईएस्ट टर्नओवर रेट अकर्स ऑन स्मॉल आइलैंड नियर द मेन लैंड एस एन, और सबसे कम है एल एफ, लार्ज एंड फार. तो एस एन ये रहा टर्नओवर रेट, सबसे ज्यादा इसका है, और लार्ज एंड फार सबसे कम इसका है. ये देखिए आप, सबसे कम इसका है, विच इज ट्रू. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. थर्ड, फोर्थ, कमिंग टू द दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, थर्ड स्टेटमेंट. डी, एस स्टेटमेंट, एस सॉरी, एस स्पीशीज नंबर इंक्रीज एक्सटिंक्शन रेट डिक्रीजेज. कभी नहीं होता, स्पीशीज नंबर इंक्रीज करेंगे तो एक्सटिंक्शन रेट डिक्रीज कैसे कर जाएगा? वेयर एज कोलोनाइजेशन रेट इंक्रीजेज, जब स्पीशीज नंबर बढ़ रहे हैं तो कोलोनाइजेशन तो कम होगा ना. तो एज स्पीशीज नंबर इंक्रीज एक्सटिंक्शन रेट डिक्रीजेज गलत है. एक्सटिंक्शन रेट विल इंक्रीज जैसे जैसे स्पीशीज बढ़ेंगे, और कोलोनाइजेशन रेट डिक्रीज होगा. इन्होंने उल्टा दिया है, जब स्पीशीज नंबर बढ़ जाएंगे तो फिर वही आ पाएंगे, वही सर्वाइव भी कर पाएंगे जो स्ट्रांग होंगे. तो एक्सटिंक्शन रेट घटेगा नहीं, बढ़ेगा, और कोलोनाइजेशन रेट डिक्रीज होगा. तो डी स्टेटमेंट फॉल्स है. अब आप ऑप्शंस देखिए ध्यान से, यहाँ पर डी ऑप्शन, तीनों ऑप्शंस में डी है, बी सी डी, विच इज रॉन्ग. हमारा करेक्ट आंसर है ए, विच इंक्लूड्स द स्टेटमेंट्स ए बी एंड सी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजोग्राफी द रिलेशनशिप अमंग टर्नओवर रेट्स. अब टर्नओवर रेट मैंने फिर बताया आपको, पहले भी बताया है,
एक तरफ आपका इमिग्रेशन रेट है, एक तरफ आपका एक्सटिंक्शन रेट है, और आप जहाँ पे वो दोनों लाइंस क्रॉस करती हैं, इफ़ यू ड्रॉ वर्टिकल लाइंस तो वो आपका इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज़ बताती हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वाई एक्सेस पे तो वो आपका टर्नओवर रेट बताते हैं। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि ये देखिए इस ग्राफ में टर्नओवर रेट एस एन सबसे ज़्यादा जो स्मॉल और नियर है। अच्छा थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचिए, स्मॉल और नियर वाले पे क्यों टर्नओवर रेट ज़्यादा होगा, क्यों कंपोजिशन चेंजेस स्पीशीज़ की होती रहेंगी ज़्यादा ज़्यादा जल्दी जल्दी क्यों होंगी, क्योंकि वो स्मॉल है तो एक्सटिंक्शन होगा वहाँ पे, नियर है तो इमिग्रेशन भी होगा, तो चेंज ऑफ कंपोजिशन होता रहेगा, चेंज ऑफ कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज। तो एस एन में सबसे ज़्यादा है टर्नओवर रेट और सबसे कम है एल एफ में जो लार्ज है और दूर है, जो दूर आइलैंड है और बड़ा है तो वहाँ पर इमिग्रेशन होना दिक्कत है, दूर है फार है, और लार्ज है तो एक्सटिंक्शन होना भी मुश्किल है, स्मॉलर आइलैंड्स पे एक्सटिंक्शन होना थोड़ा आसानी से एक्सटिंक्शन हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि कंपटीशन टाइट होता है, स्टिफ होता है। सो तो सबसे ज़्यादा है टर्नओवर रेट स्मॉल एंड लार्ज नियर पे, एंड सबसे कम है लार्ज एंड फार पे। अब इसका हम देखते हैं स्मॉल एंड नियर, यस दिस इज़ द करेक्ट आंसर बी, स्मॉल नियर यहाँ है और लार्ज फार यहाँ पर। सो द करेक्ट आंसर इज बी, सब मिलते जुलते हैं। अगर आपको टर्नओवर और इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, व्हेन गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ आइलैंड बाय ज्योग्राफी, व्हेन स्पीशीज रिचनेस इज लेस देन द इक्विलिब्रियम वैल्यू, यानी इक्विलिब्रियम अभी आया नहीं है, उससे कम है स्पीशीज रिचनेस, अभी आएगी, इक्विलिब्रियम वैल्यू आई नहीं है तो उस वक्त क्या है, द इमिग्रेशन रेट इज हायर देन एक्सटिंक्शन रेट एंड सो स्पीशीज रिचनेस विल इंक्रीज। चलिए देखते हैं, अभी इक्विलिब्रियम वैल्यू आई नहीं है, सपोज हम इसकी बात करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम वैल्यू जब नहीं आई है तो आप देखिए इमिग्रेशन रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सटिंक्शन रेट, ये ज़्यादा है ना, ये ग्रेटर है देन एक्सटिंक्शन, क्या कह रहा है, व्हेन द स्पीशीज रिचनेस इज लेस देन इक्विलिब्रियम वैल्यू द इमिग्रेशन रेट इज हायर देन एक्सटिंक्शन रेट एंड सो स्पीशीज रिचनेस विल इंक्रीज, तो इसलिए स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी क्योंकि इमिग्रेशन ज़्यादा है एक्सटिंक्शन कम है और स्पीशी इक्विलिब्रियम वैल्यू आई नहीं है अभी, तो स्पीशीज रिचनेस अभी बढ़ेगी। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ स्पीशीज रिचनेस एक्सीड्स द इक्विलिब्रियम वैल्यू, अब हम इक्विलिब्रियम वैल्यू को क्रॉस कर गए हैं, स्पीशीज रिचनेस क्रॉस कर गई उस वैल्यू को, तो एक्सटिंक्शन रेट इज ग्रेटर देन इमिग्रेशन रेट एंड स्पीशीज रिचनेस विल डिक्रीज, तो एक्सटिंक्शन रेट इज ग्रेटर देन इमिग्रेशन रेट। अब देखिए क्रॉस जब भी कर जाएगी, इसी को हम देख रहे थे, अब क्रॉस कर गई तो एक्सटिंक्शन रेट तो बढ़ गया, ये ज़्यादा हो गया ना, और इमिग्रेशन रेट कम हो गया है, ये ज़्यादा हो गया क्रॉस करने के बाद, इससे अब इमिग्रेशन कम हो रहा है, तो वो ये कह रहा है If species richness exceeds the equilibrium value, उसके बाद the extinction rate is greater than immigration rate, extinction rate बढ़ गया, the species richness will decrease, species richness will decrease, the highest species richness occurs on a large island near the main island, while the lowest on a small island far from mainland,
तो हाईएस्ट स्पीशीज रिचनेस क्या कह रहा है? लार्ज और नियर, LN, लार्ज और नियर, और लोएस्ट है स्मॉल एंड फार, स्मॉल और फार। ये अब हम फिर ग्राफ में देखते हैं, लार्ज एंड नियर पे सबसे ज़्यादा है एंड स्मॉल एंड फार पे सबसे कम है। यहाँ देखिए, तो लार्ज एंड नियर पे सबसे ज़्यादा है, स्मॉल एंड फार पे कम है। तो ये भी सही है। फिर द हाइएस्ट स्पीशीज रिचनेस अकर्स ऑन लार्ज आइलैंड फार, यानी लार्ज और फार फ्रॉम द मेनलैंड, वाइल लोएस्ट ऑन स्मॉल और नियर, स्मॉल और नियर। फिर हम उस ग्राफ को देखेंगे, स्मॉल और नियर, स्मॉल और नियर गलत है, लार्ज एंड फार ये तो इंटरमीडिएट होती हैं, वैल्यूज दोनों के बीच की हैं, तो स्पीशीज रिचनेस यहाँ पर मैक्सिमम नहीं है। तो उस हिसाब से अब आप देखिए स्टेटमेंट्स लास्ट वाली भी, ये लास्ट वाली स्टेटमेंट गलत है। तो आपकी स्टेटमेंट ए सही थी, बी भी सही थी और सी भी सही थी। सो विच अमंग द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ए, बी, डी। डी तो गलत है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ए, बी, सी, ये आपका सी ऑप्शन सही। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए, पढ़िए, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है डिस्कस करिए, हमें कमेंट में भेजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टडी वर्क वेल, वर्क हार्ड। थैंक यू।